घायल होने के बाद ममता बनर्जी को नंदीग्राम से कोलकाता लाया गया। वहां अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ममता बनर्जी की जांच टीम की तरफ से की गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक ममता बनर्जी को पैर, कंधे, हाथ और गर्दन में चोट लगी है। यही नहीं, डॉक्टरों के मुताबिक ममता ने सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत की। ममता बनर्जी को 48 घंटों तक निगरानी में रखा जाएगा। ममता बनर्जी की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी दिखी और उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कल की ये तस्वीर जब उन्हें अस्पताल लाया गया। ला गई है मैं हमारी दीदी, ये सब साइंस है ऑफ अ डिफीटेड पार्टी एंड अ डिफीटेड कैंडिडेट। नंदीग्राम से भी वो हारेंगी और 100% पश्चिम बंगाल में बदलाव सबकी आंखों के सामने। बंगाल के नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने पहुंची ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई। ये घटना देर शाम को हुई, जब एक सड़क पर ममता बनर्जी का काफिला रुका हुआ था और ममता बनर्जी गाड़ी का दरवाजा खोलकर लोगों से बात कर रही थी, लेकिन उसी दौरान कार का दरवाजा उनके पैर से टकरा गया। मैं बात नहीं कर सकती हूं अभी। उन्होंने बताया कि वो जब गाड़ी का दरवाजा खोलकर लोगों से बात कर रही थी, तभी किसी ने गाड़ी के दरवाजे पर धक्का दिया, जिससे उनके पांव पर चोट लग गई। ममता का आरोप है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। लेकिन बीजेपी को ममता की कहानी सच्ची नहीं लगी। भूत तो नहीं था कि भूत आगे अटैक कर गया तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग से करने वाली है, क्योंकि टीएमसी का आरोप है कि ममता बनर्जी को चोट किसी हादसे में नहीं लगी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उन पर हमला किया, जिसमें ममता बनर्जी के पांव पर गहरी चोट आई। चोट की वजह से ममता बनर्जी चल नहीं पा रही थीं और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गोद में उठाकर कार की पिछली सीट पर लेटा दिया। इन तस्वीरों में ममता के पैर पर एक कपड़ा बंधा हुआ दिखा। मीडिया के कैमरे ममता बनर्जी के काफिले का पीछा कर रहे थे। काफिला अचानक नंदीग्राम में ही रुका, जहां ममता बनर्जी ने दर्द से कराहते हुए पूरी घटना बताई। कहाँ कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके दीदी, क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है। हालांकि ममता बनर्जी की कार पर हमला करने वाले लोग कौन थे, इसका पता नहीं चल पाया, जिसके बाद नंदीग्राम से ममता का काफिला सड़क के रास्ते कोलकाता पहुंच गया। कोलकाता के SSKM अस्पताल में मुख्यमंत्री के इलाज के लिए पहले से तैयारी कर ली गई थी। ममता बनर्जी के पहुंचने से पहले ही टीएमसी के कई नेता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंच गए। इसके अलावा आम लोगों की भीड़ भी अस्पताल पहुंचने लगी। ममता बनर्जी के इलाज के लिए 5 डॉक्टरों का पैनल उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही गठित कर दिया गया और अस्पताल में सुरक्षा के भारी इंतजाम कर दिए गए। नंदीग्राम में चोट लगने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये काफिला ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए कोलकाता के SSKM अस्पताल में पहुंच गया, जहां पहले से अगवानी में अभिषेक बनर्जी, अरूप विश्वास सहित पार्टी के कई नेता मौजूद हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों का यहां पर टीम जो है वो तैयार रखा गया है। कल नंदीग्राम में जिस जगह ममता बनर्जी को चोट लगी, उस जगह का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो ममता बनर्जी को चोट लगने से पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में ममता बनर्जी की गाड़ी के आसपास भारी भीड़ दिखाई पड़ी। पहले ममता आगे की सीट पर बैठी लोगों का अभिवादन करती दिखी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई और चलती गाड़ी से ही लोगों का अभिवादन करने लगी। इस दौरान उनकी गाड़ी के आसपास और ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ी, जो उनकी गाड़ी के साथ साथ ही चलती दिखाई दी। नंदीग्राम में जिस बुरुलिया बाजार में ममता बनर्जी को चोट लगी, जिसके बाद उन्होंने खुद पर हमले का आरोप लगाया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि वो घटना के वक्त वहां मौजूद थे। लोगों ने दावा किया कि ममता बनर्जी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, बल्कि इनकी गाड़ी का दरवाजा सड़क के किनारे बने छोटे खंभे से टकरा गया, जिसकी वजह से ममता घायल हो गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आई विटनेस। जब ममता बनर्जी यहाँ पहुंची थी तो क्या कुछ हुआ था? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उसके बाद उनके पैर में चोट आया, क्या हुआ था उस वक्त? क्या हुआ था, वो ममता बनर्जी CM है ना, वो गाड़ी से आया, गाड़ी से हाथ जोड़ कर गेट खुला है, गेट खुला से दो चार चैन दूर से आया। इधर जो पिलर है ना, वो ड्राइवर के मालूम नहीं, इधर बहुत जनता है ना, जनता से उधर टक्कर, मैंने जनता इधर पिलर है, ड्राइवर के मालूम नहीं है, उधर जो पिलर है वो सेम
ये आएगा वो हाथ जोड़ के आया तो गेट है खुला है ना वो गेट इधर पिलर से लगा पिलर से आप कह रहे हैं कि उनका गेट इस पिलर से लगा है यही पिलर से लगा इधर पिलर से नहीं लगा यही पिलर से लगा है इस वाले पिलर से लगा यही पिलर से लगा है ये पिलर से लगा है सीएम के इधर पाप में चोट लगा है इधर गाल में चोट लगा है इधर से उधर 5 मिनट रुका कुछ बलम मैंने जल जल किचु चोक मुख में दिया दिया से इधर उधर पुलिस है ना पुलिस पूरा रास्ता क्लियर कर दे उधर चल गया ममता बनर्जी के साथ उस वक्त पुलिस फोर्स थी उनकी सिक्योरिटी थी हाँ पूरा सिक्योरिटी पुलिस पूरा नंदीग्राम स्टाफ उधर है विजार विलेज पुलिस के मेरे को मालूम नहीं है पुलिस है इधर गाड़ी आया ममता जी इधर आया इधर आके ये दर्जा चेहरा दिखाई इधर इधर ये गेट इधर है ये गेट इधर है लेकिन उतरने आया हाथ जोड़ करके फिर उतरने आएगा उस तरफ एक गेट लग के फिर मुड़ गया फिर मुड़ गया मुड़ आप, गया आप उस वक्त कहाँ खड़े थे हम इधर उधर था वो पिलर का सामने उधर ही था फुटेज देखा देख के हमको बताया लेकिन कुछ साजिश नहीं है तो ये है प्रत्यक्षदर्शी जो उस वक्त ममता जो उस वक्त जब ममता बनर्जी जब यहाँ पहुंची थी तो क्या कुछ हुआ वो ये बता रहे कहाँ है सीसीटीवी लगा हुआ अच्छा यहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि सीसीटीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं सीसीटीवी लगा हुआ है तो जाहिर तौर पे जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं कि आखिर में हुआ क्या वो सब कुछ निकल गया लेकिन जो सीसीटीवी का जो है वो दूसरे तरफ है तो और ममता बनर्जी के इधर हुआ शायद यहाँ से कुछ मदद ना मिले इन्वेस्टिगेशन में हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी को धक्का दिया गया इतना ही नहीं लोग वहां पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते दिखे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है परितोष जाना है क्या हुआ था उस वक्त कवर तक खुलते गए এই যে এত জনজরের মধ্যে নেত্রী একটা কথা বলেছেন যারা যে কেউ দুষ্কৃতীরা করেছে কোন একটা রাজনৈতিক দলের হয়তো কথা বলেনি কিন্তু পরবর্তীকালে একটি রাজনৈতিক দল চক্রান্ত করে তারা এখানে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে আমার প্রশ্ন একটা জায়গায় আছে লোকাল পুলিশ কি করছিল একটা মুখ্যমন্ত্রী একটা সভায় আসবে এখানে প্রোগ্রাম এখানে 4 জন লোকাল পুলিশ কেন লোকাল পুলিশ কোথায় ছিল जो चोट आई है वो यहाँ खुद से नहीं आई है बल्कि यहाँ पर धक्का मुक्की हुआ तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों का भी कहना है ममता बनर्जी ने बंगाल की नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया पिछली बार वो भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ी थी लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम को चुना और नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी ताकत दिखाई और हल्दिया की सड़कों पर पैदल ही निकल पड़ी इस दौरान ममता बनर्जी के समर्थकों का उत्साह सातवें आसमान पर दिखा एक मौका तो ऐसा आया जब वो नामांकन दाखिल करने जा रही ममता बनर्जी के साथ ही अंदर जाने की कोशिश करने लगे जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जैसे तैसे बाहर ही रोका ममता बनर्जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हल्दिया पहुंच गई और आप देख सकते हैं कि सड़क से वो पैदल ही नामांकन दाखिल करने जा रही है वहीं विरोधियों को अपना दम दिखाने के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल किया और वहां के आंदोलन को याद करते हुए नंदीग्राम के महासंग्राम का बिगुल फूंक दिया भूलते पारी निजे नाम भूलबो ना को नंदीग्राम नंदीग्राम में आरेक नाम संग्राम संग्राम हल्दिया जाने से पहले उन्होंने नंदीग्राम के शिव मंदिर में पूजा भी की वो जब वहां पहुंची तो मंदिर के बाहर तिल रखने तक की जगह नहीं थी क्योंकि वहां भारी भीड़ जुटी यही नहीं ममता बनर्जी का मंदिर पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी हुआ ममता बनर्जी पहली बार नॉमिनेशन से पहले वो पहुंची हैं मंदिर और इसके बाद यहां उन्होंने पूजा पाठ किया शिव मंदिर में पूजा के बाद ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से हल्दिया रवाना हुई जहां उन्होंने तय मुहूर्त पर नामांकन दाखिल किया जबकि नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी के विरोधी और बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे हालांकि उन्होंने ममता के नामांकन के दिन भी वहां शक्ति प्रदर्शन किया और नंदीग्राम के तेनगुआ से जानकीनाथ मंदिर तक पदयात्रा की इस पदयात्रा में शुभेंदु अधिकारी के पीछे बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी चलते रहे जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए जिसके बाद शुभेंदु ने मंदिर में पूजा की उन्होंने वहां एक रैली भी की और ममता बनर्जी के अंदाज में नारे लगवाकर उन पर निशाना साधा हरे कृष्णा हरे हरे यही नहीं उन्होंने ममता बनर्जी के नंदीग्राम से वोटर नहीं होने का जिक्र किया और उन पर हमला किया आपने कहा वो नंदीग्राम के बाहरी वोटर भी नहीं है
नंदीग्राम को शिवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। वो 2016 में इसी सीट से चुने गए थे और ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने थे, लेकिन अब वो उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ में समाज कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीना के खिलाफ विभाग के ही कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रमुख सचिव पर गाली गलौच करने का आरोप लगाया और उन्हें हटाने की मांग पर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान उनके हाथों में कई पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए उन्होंने प्रमुख सचिव के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। खबर है कि गुस्साए कर्मचारी इस मुद्दे पर समाज कल्याण मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। उत्तराखंड में दो दिन पहले शुरू हुए सियासी ड्रामे का अंत हो गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद वो उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बन गए। गढ़वाल के बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत का नाम अचानक बीजेपी विधायकों की बैठक के बाद सामने आया। नाम के ऐलान के बाद भाषण की औपचारिकता हुई और अगले ही पल तीरथ सिंह रावत का गला मालाओं से लद गया। माइक सामने आए तो उन्होंने पिछले सीएम के कामों को आगे बढ़ाने का दावा किया। जो भी काम आज 4 सालों के अंदर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने किया है, उसको आगे बढ़ाने काम करेंगे। थोड़ी ही देर में गाड़ियों का लंबा काफिला राजभवन पहुंच गया। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी और सरकार के गठन का प्रस्ताव दिया। राजभवन से तीरथ सिंह रावत के साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं के मिलने की तस्वीरें सामने आई। न्यूज 18 से बातचीत में नए सीएम आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। निश्चित है कि जो मैंने कहा ना कि विकास हुए उनको आगे और 10 या 2 दिन भी बहुत होते हैं यदि करने को हो तो। तीरथ सिंह रावत घर पहुंचे तो पत्नी ने पूजा की थाली के साथ स्वागत किया। मीडिया के कैमरों के सामने पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया। लेकिन तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही राज्य के कई शहरों में जश्न शुरू हो गया। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और तीरथ सिंह रावत के समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और अपने नेता के मुख्यमंत्री बनने का जश्न मनाया। खास तौर पर गढ़वाल के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। रामनगर जिले में भी बीजेपी के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने शहर के एक अहम चौराहे पर खूब नारेबाजी की, मिठाइयां बांटी गयी और फिर आतिशबाजी भी की गयी। चमोली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। खुद तीरथ सिंह रावत के घर भी खूब आतिशबाजी हुई। उनके लिए भी ये पल बेहद भावुक रहा। कभी कल्पना नहीं की थी मैंने कि यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अन्य पार्टियों में ये हो नहीं सकता, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि एक छोटे से परिवार से भी लेकर यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। उनकी पत्नी ने भरोसा दिया कि वो घर की जिम्मेदारी पूरी तरह संभालेंगी। टाइम मैं मैनेज करती हूँ, बच्चे और परिवार को मैं देखती हूँ। तीरथ जी को फ्री किया हुआ है। अच्छा। कि आप समाज सेवा करिए। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत के पास केवल 1 साल का कार्यकाल है। इस दौरान उन्हें विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक भी बनना है, अपनी लोकसभा सीट से किसी और को चुनाव लड़वाकर संसद भी भेजना है और अगले साल के विधानसभा चुनावों में पार्टी को चुनाव भी जिताना है। यानी उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। ऊपर से मुख्यमंत्री बदले जाने पर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी भी कर दी। चेहरा बदलने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, सोच बदलनी होगी और इन परिस्थितियों में सत्ता परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जबकि बीजेपी को तीरथ सिंह रावत पर पूरा भरोसा है। बीजेपी कार्यालय में घंटों तक जश्न का दौर चलता रहा। ये तस्वीरें देखिए, प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। तमाम कार्यकर्ता जो है ढोल बजाकर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत कर रहे हैं। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव रखने वाले तीरथ सिंह रावत पर पार्टी के बड़े नेताओं ने भी भरोसा जताया। लंबा अनुभव है, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पकड़ भी अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार चलाई। इस बीच तीरथ सिंह रावत के डांस का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में तीरथ सिंह रावत का गला मालाओं से लदा दिखा और वो उत्तराखंड की परंपरागत मशक बीन की धुन पर झूमते दिखे। हालांकि उनके सीएम बनने के बाद इंटरनेट पर छाया ये वीडियो काफी पुराना है। तीरथ सिंह रावत का नाम उत्तराखंड की राजनीति में नया नहीं है। केवल संगठन ही नहीं बल्कि सरकार में भी वो अहम पदों पर रह चुके हैं। उत्तराखंड के गठन के बाद बनी पहली सरकार में शिक्षा मंत्री तीरथ सिंह रावत को ही बनाया गया था। आरएसएस के अलावा वो बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से भी लंबे वक्त तक जुड़े रहे। इसके अलावा कई सालों तक उन्होंने आरएसएस के लिए प्रचारक के तौर पर काम किया। उत्तराखंड में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं, इसीलिए संगठन पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके सामने अब अगले साल होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में
बीजेपी को फिर से जीत दिलाने की चुनौती। उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सीएम बनने का पल उनके लिए भावुक कर देने वाला था और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अगले चुनाव में भी उत्तराखंड में बीजेपी ही जीतेगी। सर ये जानना चाहेंगे कि जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो काफी भावुक आप नजर आ रहे थे, आप भावना से भरा पल था? ऐसा है, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं एक स्वयं सेवक था, एक कार्यकर्ता था विद्यार्थी परिषद का, उसके बाद कई विभिन्न दायित्वों को लेकर यहाँ तक आया। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और मेरे गृहमंत्री अमित शाह जी ने और मेरे मुझ पर विश्वास किया है, तो निश्चित उनके विश्वास में खड़ा उतरूंगा। और जिस तरह मोदी जी का रहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको लेकर आगे बढ़ूंगा और आम जनता के उसमें खड़ा उतरने का काम करेंगे। और जिस तरह काम किया यहाँ का पर्यटन है, तीर्थाटन है, एक साल है, अब चुनौतियाँ ज्यादा है, जिम्मेदारियाँ ज्यादा है, लेकिन ये चार साल भी पार्टी ने काम किया है ना, मेरी सरकार ने काम किया है, वही काम हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत काम हुआ चार साल के अंदर, उसको आगे बढ़ाएंगे और केंद्र के द्वारा इतने काम है मोदी जी के द्वारा, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। 2022 जीत रहे, निश्चित निश्चित। चंडीगढ़ में विधानसभा के बाहर अकाली दल के विधायकों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों की कर्ज माफी समेत दूसरे कई मुद्दों पर पार्टी के विधायकों ने सरकार को घेरा और विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने एक पुतला पकड़ा हुआ था हाथ में, जिस पर उन सभी मुद्दों को फंदे से लटकाया गया जिनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे। अकाली दल के नेताओं ने सीएम अमरिंदर सिंह पर पंजाब के लोगों और किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के अकोला में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। वहां हावड़ा से मुंबई जा रही गीतांजलि एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई यात्री जख्मी नहीं हुआ। आपको बता दें, इस घटना से ट्रेन में बैठे लोग सहम गए। हादसे के बाद ट्रेन में बैठे यात्री पटरी से उतरे, डिब्बे के पास जमा हो गए। सूचना मिलते ही राहत दल के साथ रेलवे के अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए। ट्रेन का जो डिब्बा पटरी से उतरा था वो यात्रियों वाला नहीं बल्कि सामान ढोने वाला था, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस हादसे का असर उस रूट से गुजरने वाली दूसरी ट्रेनों पर जरूर पड़ा। काफी देर तक इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।